तो उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहेब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया साथ। और अगर ये मान लो सपोज मिसाल के तौर पे मान लो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को बुरा लगे मान लो ये सच है मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में यह नहीं कि काबा हिला इधर उधर कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे हिस्ट्री इतनी अलहमदल्ला आठ सौ साल पहले हजार साल पहले जो मुगल ने किए बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया यह बिल्कुल साइंस के खिलाफ है क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है वहाँ के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है यह गलती से किसी